Hello students, welcome to second class. This is your maths class. So start with our first lesson, that is lesson number 1. Let us revise. Okay, let us revise. Now continue this chapter. Today's concept is more than, less than and equals to. Today's concept is more than, less than, equal to, and the second concept is increasing order and decreasing order. First of all, we take more than, less than and equals to. Okay, this is your more than, less than and equals to. There are three signs. This is your less than, more than and equal to. Less than mein kya hota hai? Less than mein aapka sign jo hai वो किस साइड ऊपर रहेगा. अब लेस देन मींस जो कम है वहां वाली साइड जो है वो माउथ क्लोज रहेगा एंड मोर देन वाली साइड माउथ ओपन रहेगा. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. अब ये जो जिस साइड डिजिट बड़ा आएगा उस साइड को हम माउथ क्या करेंगे, ओपन रखेंगे. जिस साइड का डिजिट छोटा आएगा उस साइड के जो माउथ होगा वो क्या होगा, क्लोज आएगा. उसकी बैक जो है वो क्लोज आएगी. अगर दोनों ही इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ डिजिट आर इक्वल, तो हम कौन सा साइन राइट करेंगे, इक्वल्स टू का. फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर डिजिट, हमारा जो स्मॉलर डिजिट है हमने राइट किया है 9, तो 9 हमारा किस साइड आ रहा है, इस साइड. एंड दिस इज योर बिगर डिजिट 19, तो बिग वाली साइड के आपका माउथ ओपन है एंड स्मॉलर डिजिट की साइड आपका माउथ जो है वो क्लोज आएगा. सेकेंड सेम आपका मोर देन में आएगा, तो मोर देन में बड़े वाला डिजिट आपका क्या आएगा, यस वेरी गुड, आपका 89 है, तो वो कहाँ आएगा, उसकी साइड फेस ओपन रहेगा. और दूसरी साइड अगर 80 है तो 80 वाली साइड क्या आएगा, माउथ क्लोज आएगा. और इक्वल्स टू की टर्म में क्या करते हैं हम, इक्वल्स टू की टर्म में बोथ डिजिट आर सेम, दोनों डिजिट जो होते हैं वो सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल 77, बोथ डिजिट्स आर सेम, दोनों के दोनों डिजिट इक्वल होते हैं, ना कोई अप होता है ना कोई डाउन होता है, बोथ आर इक्वल, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इक्वल्स टू. इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इक्वल्स टू. नाउ लेट्स डू प्रैक्टिस. अब हम प्रैक्टिस करेंगे, पुट करेक्ट साइन ऑफ लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू. तो आपने करेक्ट साइन पुट करना है. ओके 12 एंड 16, ओके आप कौन सा साइन पुट करेंगे, वेरी गुड, जल्दी से बताइए. लेस देन, मोर देन, इक्वल टू, कौन से वाला लेस देन है, यस 12 जो है वो स्मॉल डिजिट है एंड 16 इज द बिगर डिजिट. तो हम बिगर डिजिट के साइड क्या करते हैं, माउथ को ओपन रखेंगे. बिग डिजिट वाली साइड हम माउथ को ओपन रखेंगे एंड स्मॉल डिजिट जो है उस साइड हम उसकी माउथ को क्लोज करेंगे. ओके वेरी गुड. सेकंड इज 22 एंड 33, 22 एंड 33, यस वेरी गुड. 33 इज द बिगर डिजिट ना, 33 जो है वो बड़ा डिजिट है, इसलिए 33 और 22 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 22 जो है वो पहले 20 की लाइन में आता है सीरीज में और 33 30 की सीरीज में आता है. तो हम क्या करेंगे इस चीज को, यस आपका ये जो 33 है ये बड़ा है, तो बड़े वाली साइड हम माउथ को ओपन रखेंगे लाइक दिस. ओके नेक्स्ट इज योर 41 एंड 14. अब बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 41 एंड 14 वो 1144 देखते हैं और कहते हैं इक्वल्स टू है. दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स नहीं है. ठीक है 41 की लाइन में सीरीज में आएगा 41 एंड ये 11 की सीरीज में आएगा 14 आपका. तो 14 जो है वो स्मॉलर डिजिट है एंड 41 इज द बिगर डिजिट. तो हम बिगर डिजिट वाली साइड माउथ को ओपन करते हैं. एक एग्जांपल और राइट करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल 36-36, तो डिजिट्स क्या है, बोथ आर, यस इक्वल, बोथ आर
इक्वल, तो हम कौन सा साइन पुट करेंगे, इक्वल्स टू का. ओके, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट इज अवर इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीज करना, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना. फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट में थे, सेकेंड में हुए, थर्ड में, फिर फोर्थ, फिफ्थ, आप आगे आगे बढ़ेंगे, वो इंक्रीज कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कम होना. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हेन वी राइट नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, जब हम स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को राइट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर. स्मॉलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर नंबर, हम अब स्मॉलर नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया है इधर 24, 24 इज द स्मॉलर नंबर. नेक्स्ट हमने राइट कर लिया है इधर 33 एंड 45. तो ये हमारा कौन सी रेंज में आता था, कौन सी लाइन में आ रहा था? यस, ये 21 की सीरीज में आ रहा है, ये आपका 31 की सीरीज में आ रहा है, ये 41 की सीरीज में. तो ये स्मॉलर टू लार्जर की तरफ जा रहा है. फॉर एग्जांपल 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 टू 1 2 3 4 5, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. 0 से आप 1 पे गए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ये क्या है? इंक्रीजिंग नंबर है. यू गो स्मॉलर टू लार्जर नंबर, आप स्मॉलर से लार्जर नंबर की तरफ जा रहे हैं, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज योर डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? व्हेन वी राइट द नंबर फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, जब हम कोई भी नंबर राइट करते हैं लार्जर टू स्मॉलर, लार्ज नंबर से बड़े नंबर से छोटे की तरफ आते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर. बड़ा डिजिट है, बड़ा डिजिट, फॉर एग्जांपल 100 ले लेते हैं, 100 इज द बिगर नंबर. ठीक है, 100 जो है वो बड़ा नंबर है. फॉर एग्जांपल हमने 100 लिया है, तो 100 क्या है? बिग डिजिट है ना, बड़ा डिजिट है. ओके, अब हम इससे छोटा डिजिट क्या लेंगे, 100 से पीछे क्या आता है? यस, 99. 100 इज द बिगर डिजिट एंड 99 इज द स्मॉलर. देन हम इसे बैक में जाएंगे, रिवर्स काउंटिंग में, बैक काउंटिंग की है ना, यस, तो बैक काउंटिंग में जाएंगे 98, 96 लाइक दिस, 97, 96. तो ये हम बैक में जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका? यस, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जांपल. एक हम एग्जांपल करके देखते हैं, उसमें आप मुझे बताएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर हाउ टू राइट. 15, 18, 25 एंड 10, आप इसको राइट करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम इसमें डिजिट फाइंड आउट करेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? यस, स्मॉलर नंबर. फाइंड आउट द स्मॉलर वन, इसमें से स्मॉलर वन फाइंड आउट कीजिए. वेरी गुड, 13, 18, 25 एंड 10. स्मॉलर नंबर इज, यस, 10. स्मॉलर नंबर इज 10. 10 जो है वो स्मॉलर नंबर है. तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि ये डिजिट जो है आप हम इसे नहीं देखेंगे. ओके, 10 के बाद आपका और कौन सा नंबर है? अब 13, 18 एंड 25 में स्मॉलर नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 13. Then you write here 13. Very good. अब आपके पास 18 एंड 25 है. Smaller number कौन सा है? 18 एंड 25. Very good. 18 is the smaller number. We write here 18. Next is your 25. 25 बचा, 25 is a bigger number.
अब हमने कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे किया, स्मॉलर नंबर से हम बिगर की तरफ गए, 10, 13, 18, 25। नाउ वी डू वन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप हम किसी को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करते हैं, सेम यही डिजिट राइट करेंगे, सेम डिजिट राइट करेंगे, ओके। आपके पास 13 है, देन 18, 25 एंड 10। सेम हम इन्हीं डिजिट को किस में राइट करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं शॉर्ट में राइट कर रही हूँ, डीईसी मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। आप हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे, वेरी गुड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर पहले आता है, बिगर नंबर, लार्जर नंबर, यस। तो लार्जर नंबर फाइंड आउट कीजिए, ये भी वन की लाइन है, ये भी वन, ये टू और ये टेन, वन वाली लाइन है, यस। तो हम राइट करेंगे इधर 25, तो हम इस 25 को यहाँ से कट कर देंगे, ओके। अब 10, 18 एंड 13 में बिगर नंबर कौन सा है, यस 18, तो हम यहाँ राइट करेंगे 18। नेक्स्ट इज योर 13 एंड 10, बिगर नंबर कौन सा है, 13 बिगर है ये 13 बिगर है ये 10 बिगर है, यस 13, वी राइट हियर 13 एंड लास्ट इज योर 10। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, स्मॉलर डिजिट से बिगर डिजिट में, सॉरी बिगर डिजिट से स्मॉलर डिजिट में, डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस बड़े से छोटे की तरफ आपने मूव किया, 25, 18, 13 एंड 10, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम बड़े से जब छोटे की तरफ आएंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे, और छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर टू लार्जर नंबर की तरफ जाएंगे उसको